वेलकम बैक टू डिजिटल टीम। आज की इस वीडियो में मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही इजी सिंपल विदाउट इन्वेस्टमेंट अर्निंग मेथड लेकर आई हूं, जो कि आपको बहुत बहुत अमेजिंग लगने वाला है, बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि ये जितना इजी और जितना सिंपल है ना उतना ही फन भी है इसमें। बट आपको ना एक चीज मैं पहले ही बोल दूं, आपको पूरी वीडियो देखनी है, जिससे कि आप मैंने जितने भी स्टेप्स इस वीडियो में आपको बताई है ना, क्योंकि मैंने हर एक चीज आपको करके दिखाई है, तो उन सारी चीजों को आपको फॉलो करना है, क्योंकि अगर आप बीच में कुछ भी मिस कर देते हो तो फिर आप एक अलग लाइन पे चले जाते हो, आपको कोई अर्निंग नहीं होती। और बहुत सारे कमेंट मेरे पास ऐसे आते भी हैं कि मैम अर्निंग नहीं हो रही है, और जब मैं उनसे पूरा मेथड पूछती हूँ ना तो बीच में उनके स्टेप गायब होते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, पूरे स्टेप्स देखने हैं। अगर कुछ समझ ना आए तो कमेंट करके पूछना है मुझसे, सब कुछ क्लियर आउट होने के बाद ही आपको अपना जो वर्क है वो स्टार्ट करना है, तभी आपको 100% बेनिफिट होगा। अदरवाइज आप एक तरीके से टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो ऐसा आपको नहीं करना है। तो चलिए बिना देरी किए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, ताकि आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें रिलेटेड टू हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, वर्क फ्रॉम होम, पार्ट टाइम जॉब्स, ऑनलाइन अर्निंग एप्स एंड मच मोर। तो चलिए फ्रेंड्स जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स इस वेबसाइट का नाम है cpalead.com, एंड यहाँ पे आपको छोटे छोटे से टास्क करने होते हैं, लाइक आपको लोगों से ऐप डाउनलोड करवाना होता है, उसमें साइन अप वगैरह तो नॉर्मली सब कर ही लेते हैं ऐप डाउनलोड करते हैं तो, या फिर किसी भी वेबसाइट में साइन अप करवाना होता है। ऐसे छोटे छोटे से टास्क आपको मिलते हैं जिनको आप कंप्लीट करते हो तो आपको अर्निंग होती है। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे दो टाइप के अकाउंट क्रिएट होते हैं, पब्लिशर्स और एडवर्टाइजर्स के लिए, दोनों के लिए अलग अलग तरीके से अकाउंट यहाँ पे क्रिएट होते हैं। तो आगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करके दिखाने वाली हूँ, तो उसको अच्छे से आप जरूर देखना। अब यहाँ पे इनके कुछ नेटवर्क्स भी हैं जो कि आप देख सकते हो, काफी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, काफी नोन ब्रांड्स हैं। स्क्रॉल डाउन करते हो तो आप इनके बारे में यहाँ पे थोड़ा रीड कर सकते हो, इफ आप चाहते हो तो ट्रस्ट वॉलेट पे, फेसबुक, गूगल बिजनेस, हर जगह ना आप इनके बारे में देख सकते हो। दूसरा, इनकी ईमेल आईडी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर इफ आपको कभी भी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है तो, वैसे तो आपको नहीं पड़ेगी सपोर्ट की जरूरत, काफी अच्छी वेबसाइट है और काफी टाइम से वर्क कर रही है, लोगों को पे कर रही है, मैंने भी काफी अर्निंग की है यहाँ से। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है और आपको करना है साइन अप के इस ऑप्शन पे क्लिक। अब आप यहाँ पे इनके बारे में कुछ डिटेल्स इनकी देख सकते हो, यहाँ पे कुछ रीजंस भी इन्होंने बताए हैं कि इस वेबसाइट पे आपको काम क्यों करना चाहिए। तो अब आते हैं यहाँ पे साइन अप के फॉर्म पे। फर्स्ट नेम आपको डाल देना है यहाँ पे, लास्ट नेम, ईमेल आईडी अपनी डाल देनी है, पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है, और यहाँ पे दोबारा से पासवर्ड को डाल देना है, सेम पासवर्ड। और यहाँ से आपको कोई भी अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज कर लेना है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, कोई भी एक क्वेश्चन आपको चूज कर लेना है जिसका आंसर आपको यहाँ पे लिखना है। और ये आपको आंसर हमेशा याद रखना है, क्योंकि कभी भी अगर आपके अकाउंट में कोई भी दिक्कत आती है, आप लॉग इन नहीं कर पा रहे हो, तो उस टाइम आपसे ये सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा इस वेबसाइट की तरफ से, और आपको अपना सही आंसर फिल करना है ताकि आपका अकाउंट यहाँ पे आसानी से लॉगिन हो जाए। तो जल्दी से अकाउंट क्रिएट करिएगा, आपकी जीमेल पे आएगी लिंक, उस पर क्लिक करके कंफर्म कर लेना, अपने अकाउंट को वेरीफाई कर लेना, उसके बाद जल्दी से आपको कर लेना है लॉगिन। मैं डायरेक्ट मिलती हूँ आपको लॉगिन करके। अब फ्रेंड्स एक और चीज, और जब आप लॉगिन के पेज पे जाओगे तो वहां पे आपको दो चीजें मिलेंगी, लॉगिन एज पब्लिशर और एडवर्टाइजर। तो आपको पब्लिशर के तौर पे लॉगिन करना है, आप चाहो तो एडवर्टाइजर के तौर पे भी लॉगिन कर सकते हो, क्योंकि सेम अकाउंट होता है, बट आपको करना है पब्लिशर की तरफ से, क्योंकि आप यहाँ पे अर्निंग करने आए हो। कभी आपको अगर ऑफर्स यहाँ पे क्रिएट करने हैं खुद के, तो आप एडवर्टाइजर वाला अकाउंट अपना यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस होने वाला है, मैं आपको हर ऑप्शन अभी आज की वीडियो में नहीं दिखाने वाली हूँ, अगर आप बोलोगे तो उसके लिए मैं एक पर्टिकुलर अलग से वीडियो बनाऊंगी। आज मैं आपको सिर्फ मेन वाली सेटिंग्स दिखाने वाली हूँ जिनको आपको यूज करना है। मैं आपको सबसे सिंपल वे बताऊंगी जो पर्सनली मैं भी यूज करती हूँ। ऑल कंट्रीज पे आपको आना है। अब यहाँ पे मैं मोस्टली आउट ऑफ इंडिया वाली कंट्रीज को चूज करती हूँ, थोड़ा सा वो पेड मेथड है, बट फ्री मेथड के लिए आप यहाँ पे इंडिया चूज करो, तो यहाँ पे जो ऑफर्स आपको मिल रहे हैं ना वो सारे इंडिया के ऑफर्स आ जाएंगे, जैसे कि अभी कनाडा, यूएस, ऐसे मिक्सअप आपको सब ऑफर्स दिख रहे थे, तो अब सिर्फ इंडिया के ऑफर्स आपको दिख जाएंगे।
अब बहुत सारे लोग बोले हैं कि स्टिल हमें ऊपर की कुछ कनाडा यूएस वाले ऑफर दिख रहे हैं, तो वो फीचर्ड हैं, वो इसलिए आपको दिख रहे हैं, नेवर माइंड, उनको आप स्किप कर दो। अब आप यहाँ पे ना कोई भी एक अच्छा सा ऑफर चूज कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि ये है एक मोबाइल ऐप का, इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल्स हमारे पास आ जाती है कि ये किस बारे में है, इसमें हमें क्या करवाना है, ऑल दैट सब आ जाता है। अब देखो पर ऐप इंस्टॉल पे आपको यहाँ पे 12 सेंट्स मिलने वाले हैं, यानी कि 0.12 डॉलर। ठीक है, आपको करना क्या है, लोगों से ऐप को इंस्टॉल करवाना है, उसके बाद जब वो ऐप को इंस्टॉल करेंगे, अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करेंगे, आपको आपके पेमेंट आपके अकाउंट में मिल जाएगी। अब स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको इनके कुछ रूल्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि सिर्फ इंडिया के ही लोगों के साथ आपको ये शेयर करना है ऑफर, और जो डिवाइस है वो एंड्रॉयड है, टारगेटेड डिवाइस। साइन अप करवाना है लोगों से, यही है आपका काम, कन्वर्जन इसी से आपको मिलना है। ठीक है, और ऐप इंस्टॉल करने के बाद यूजर उसको कितना टाइम दे रहा है ये आपकी ट्रैफिक क्वालिटी बताता है। ठीक है, और वीपीएन प्रॉक्सी ऐसा कुछ यूज नहीं करना है, अगर आप ऐसा कुछ भी यूज करते हो तो चांसेस है कि आपका अकाउंट यहाँ से बैन हो जाएगा, आपको पेमेंट तो कोई मिलेगी नहीं, ज्यादा बार अगर आप ऐसा करते हो तो आपका अकाउंट यहाँ पे बैन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि ऐसी वेबसाइट्स ना बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं अपने रूल्स को लेके। और जिन्होंने भी ये अभी ऑफर, आप इसको कह सकते हो ऑफर रन किया है, ये डैम श्योर आपके बारे में कंप्लेन करेंगे, अगर आपने कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा किया तो नॉर्मल तरीके से ये आपको काम करना है। आगे मैं बताने वाली हूँ कैसे सब करना है, कैसे आपको इतने सारे कन्वर्जन्स मिल जाएंगे, सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ, बस थोड़ा सा आप वेट करो। एंड फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई भी वेबसाइट है, ब्लॉग है, आप ब्लॉग रन कर रहे हो, ठीक है, blogger.com पे हो, चाहे वर्डप्रेस पे हो, कहीं भी हो, वहां पे आप एक ऐसी इमेज भी लगा सकते हो जिसमें आप इस ऑफर के लिंक लगा सकते हो, तो कोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, या आप अपनी ब्लॉग पे या वेबसाइट पे इसको पुट कर सकते हो। अब जिनके पास ब्लॉग या वेबसाइट है उनको पता है कि इस HTML कोड को कहाँ पे पुट करना है, तो वो मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगी। अगर नहीं पता है स्टिल आपके पास कोई वेबसाइट वगैरह है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अब सिंपल आपको यहाँ पे मिल गई है लिंक। अब फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज और बताऊं कि जो भी आप ऑफर पहले प्रमोट कर रहे हो उसको एक बार लिंक को अपने आप फोन में वर्क कर रहे हो या लैपटॉप में वर्क कर रहे हो उसमें ओपन करके जरूर देख लेना, क्योंकि इन वेबसाइट्स पे भी काफी लोग अपनी वेबसाइट्स को प्रमोट करने के लिए फेक ऑफर्स रन करते हैं, क्योंकि कोई भी उनके ऑफर को कंप्लीट नहीं कर पाएगा तो उनका पैसा डूबना तो है नहीं, थोड़े से पैसे में उनको अच्छा खासा एक प्रमोशन मिल जाता है, तो इस रीजन से ना बहुत सारे लोग ये तिकड़मबाजी भी करते हैं। तो एक बार ना ओपन करके देख लेना लिंक को, से आपको वेबसाइट के बारे में भी पता चल जाएगा या ऐप जो भी है उसके बारे में भी पता चल जाएगा, आप उसको और अच्छे से लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे, उसके बारे में बता पाओगे। ठीक है, तो ये वाली ऐप एक क्रिकेट मैच के रिगार्डिंग है, तो ये वाली ऐप एक गेमिंग ऐप है, यहाँ पे जैसे कोई अपना मोबाइल नंबर डालेगा, गेट ऐप लिंक करेगा, तो उसके पास ऐप की लिंक चली जाएगी, वहां से वो डाउनलोड करके आराम से उसमें लॉगिन करके अपना आगे प्ले उसको कर सकता है। ठीक है, हमारा काम बस इतना ही है कि यहाँ पे उससे गेट ऐप लिंक करवाना है और रजिस्ट्रेशन वो कर ले, जो कि वो कर ही लेगा। ठीक है, अब हमें शेयर कहाँ पे करना है, मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, आप शायद से यकीन नहीं करोगे, बहुत सारे लोगों को स्टिल यकीन नहीं होगा, बहुत सारे लोग तो ये चीज जानते ही हैं। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो कि फेसबुक पे इंडियन यूजर्स टोटल कितने हैं, 239.65 मिलियन यूजर्स सिर्फ और सिर्फ इंडिया से हैं फेसबुक पे, तो कितना यहाँ पे ट्रैफिक पोटेंशियल है आप देख सकते हो। ये बात सच है कि अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग भी करते हो ना फेसबुक पे तो भी आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है, आप सीपीए मार्केटिंग करते हो तो भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है, आप कोई भी वर्क ले लो उसको अगर आप फेसबुक पे प्रमोट करते हो या फिर कोई भी वर्क हो आपका वो आप फेसबुक के थ्रू करते हो तो आपको रिस्पांस काफी अच्छा मिलता है, बस सही तरीका होना चाहिए फेसबुक पे वर्क करने का। अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि जब फेसबुक और व्हाट्सएप आए थे मार्केट में तो ट्विटर को ट्रैफिक रश फेस करना पड़ गया था, उस पर बहुत बहुत ही कम ट्रैफिक जाने लग गया था,
पीटर जैसा कि हम जानते हैं 1877 में लॉन्च हुआ था और उस टाइम लोग बहुत यूज करते थे ट्विटर को। बट जब फेसबुक 2004 में लॉन्च हुआ तो ट्विटर की हालत बहुत बुरी हो गई थी, क्योंकि उस पर बहुत कम ट्रैफिक जाने लगा था। मोस्टली जो ट्रैफिक है वो फेसबुक पे शिफ्ट हो गया था, और जब व्हाट्सएप आया तो भी ट्विटर को दोबारा से ट्रैफिक रश का फेस करना पड़ा। दोबारा से जो ट्विटर का ट्रैफिक था वो कम हो गया था, काफी कम लोग जाने लगे थे ट्विटर पे, क्योंकि व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा लोग एक्टिव रहने लगे थे। तो इस बात से ना आप जान सकते हो कि व्हाट्सएप ग्रुप्स पे अगर आप शेयर करते हो चीजों को, या आप फेसबुक ग्रुप्स पे शेयर करते हो चीजों को, तो कितना ज्यादा आपके पास पोटेंशियल है। 239.65 मिलियन इंडियन यूजर्स हैं फेसबुक पे। इंडियन यूजर्स में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी जो हमने ऑफर देखा था वो सिर्फ इंडिया के लिए था, तो आपको ये जानना जरूरी है कि कितना पोटेंशियल है आपके पास ट्रैफिक का, कितना ज्यादा स्कोप है आपके पास। अब आपको करना क्या होता है, देखो सबसे इजी और सेफ मेथड मैं आपको बताऊंगी जो मैं खुद पर्सनली यूज करती हूँ। ऐसा कोई मेथड मैं आपको नहीं बताऊंगी जिससे आपकी जो लिंक है वो वहां पे बैन हो जाए, आपकी लिंक ही ना जाए लोगों तक, या फिर आपका अकाउंट वहां से सस्पेंड हो जाए कुछ दिनों के लिए। मैं ऐसी कोई चीज आपको नहीं बताना चाहती हूँ। हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको 4-5 कन्वर्जन मिल जाए, बट आपका अगर अकाउंट सस्पेंड हो गया तो फिर आप आगे वर्क नहीं कर पाओगे। इसलिए सेफली खेलना चाहिए। आप सिंपल गूगल पे जाओ और अर्निंग मतलब अर्न मनी ऑनलाइन ग्रुप्स आप सर्च कर सकते हो, या फिर गेमिंग ग्रुप सर्च कर सकते हो, या फिर इससे भी ज्यादा बेटर है कि अभी जो हमने ऐप देखी थी वो लाइक क्रिकेट के ऊपर बेस्ड थी जितना मुझे लग रहा है यहाँ पे। तो हमें क्रिकेट गेमिंग ग्रुप्स ऑफ फेसबुक ऐसे आप सर्च कर सकते हो। तो फेसबुक पे जितने भी क्रिकेट गेमिंग से रिलेटेड पेजेस हैं, ग्रुप्स हैं, वो सब आपको मिल जाएंगे। अब पेजेस में ग्रुप्स पे अगर आप ज्यादा फोकस करोगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि बहुत सारे पेजेस में रूल्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो ग्रुप्स पे जाओ, पेजेस में बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप पोस्ट नहीं कर सकते। बहुत सारे पेजेस ऐसे भी होते हैं जो आपको अलाउ कर देते हैं, या आप उनको सेंड करते हो एडमिन को तो आपकी पोस्ट डाल देता है वहां पे। बट स्टिल ग्रुप्स पे ज्यादा फोकस करो। अब मैं स्क्रॉल डाउन करके आपको दिखा दूं कि ये सिर्फ फर्स्ट पेज था जिसपे 10 रिजल्ट हैं। यहाँ पे 10 पेज है, उसके भी आगे बहुत सारे पेजेस हैं, तो कोई भी कमी आपको नहीं होने वाली है। अब पूरी स्ट्रेटजी आपको ध्यान से सुननी है। दिन में सिर्फ 3 ग्रुप आप ज्वाइन करोगे, उससे ज्यादा ग्रुप आपको ज्वाइन नहीं करने हैं। कोई भी नई आईडी बनाओ उससे ये वर्क करो। हर दिन आपको 3 ग्रुप ज्वाइन करने हैं। जैसे आपको फिर उन 3 ग्रुप से बहुत सारे ग्रुप ऐसे भी होंगे जो आपको रिजेक्ट कर देंगे, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो आपको अलो कर देंगे, ठीक है। कुछ ग्रुप्स ऐसे भी होते हैं जो पेड होते हैं, तो उनको लेफ्ट कर दो, उनको रहने दो, छोड़ दो उनको, ठीक है। इस तरीके से आपके 1 हफ्ते में काफी ग्रुप्स हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, एक पर्टिकुलर ग्रुप अपना भी क्रिएट कर लेना है, वहां पे आपको अपनी लिंक शेयर करनी है। देन बाकी ग्रुप्स में जो आपकी आईडी है, मतलब जो बाकी ग्रुप्स आपने ज्वाइन कर रखे हैं, आपको अपने मेन ग्रुप की पोस्ट वहां पे शेयर करनी है। आपको डायरेक्ट लिंक वहां पे शेयर नहीं करनी है, आपको पोस्ट शेयर करनी है वहां पे, जिससे कि कम चांसेस होंगे कि जो ग्रुप के एडमिन है वो आपको रिमूव कर दे या फिर आपकी लिंक को रोक दे। इसके कम चांसेस रहते हैं। और हो सके ना तो 2 आईडी बना के रखो, जिसमें जो मेन वाला ग्रुप आप बनाओगे ना वो एक अलग आईडी में हो। हो सकता है वो आपकी रियल आईडी में आप रख सकते हो, क्योंकि कोई वहां पे दिक्कत नहीं आने वाली है। एक आईडी से आपको ग्रुप बनाना है या फिर आप पेज बना सकते हो, और दूसरे आईडी से आपको वो अलग अलग ग्रुप्स में शेयर करना है। तो ये सबसे बेस्ट ट्रिक होती है कन्वर्जन लाने की। काफी अच्छा आपको कन्वर्जन मिलता है, काफी अच्छा सब स्मूथली चलता है, कोई दिक्कत नहीं आती है इसमें लिंक बैन होने की या सस्पेंड होने की, क्योंकि आप किसी और की पोस्ट को शेयर कर रहे हो, ना कि आप खुद अपने थ्रू किसी लिंक को शेयर कर रहे हो बार बार सेम लिंक को। स्टिल एक और चीज है, अगर आपकी लिंक, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि सेम लिंक को बहुत सारे लोग और भी प्रमोट कर रहे होते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको बिटली जैसी वेबसाइट्स को यूज करना है। ऐसी वेबसाइट्स होती हैं, बिटली हो गई, जिसमें आपको देखो पेमेंट नहीं मिलती है लिंक शॉर्ट करके शेयर करने पे, बट हाँ
आपकी जो शॉर्ट लिंक होती है ना वो बैन नहीं होती है, बिटली के जैसे और भी काफी सारी है, तो उनको आप यूज कर सकते हो सेफ्टी के लिए। अगर आपकी ऐसी लिंक वहां पे शेयर नहीं हो पा रही है तो समझ जाओ कि कुछ ना कुछ झोल है। और दूसरी किसी वेबसाइट से लिंक को शॉर्ट करके आप शेयर कर सकते हो तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि वो लिंक शेयर हो जाती है। अब फ्रेंड्स पेमेंट के लिए आपको क्या करना है, अकाउंट वाले ऑप्शन पे आपको आना है। सबसे पहले आपको सेटिंग्स में सब कुछ फिल कर लेना है, आपकी पेमेंट रिलेटेड भी सेटिंग्स वहां पे होंगी तो उनको आपको अच्छे से फिल कर लेना है। आप अकाउंट पे आओगे, क्लिक करोगे या फिर टच करोगे तो यहाँ पे आपको पेमेंट्स का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको कर लेना है क्लिक। यहाँ पे आप देख सकते हो शेड्यूल, यहाँ पे ना नेट 30 वाला सिस्टम वर्क करता है, यानी कि आज आप अर्न करोगे तो उसको आप अगले महीने उसको विड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पे जनवरी में जितनी भी आपने अर्निंग जनरेट की होगी, जितना भी वर्क किया आपको, जितनी भी अर्निंग हुई होगी, उसको आप फरवरी के एंड में अपने पास ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे मिनिमम है पेमेंट की, जो मिनिमम एक विड्रॉवल लिमिट होती है वो है $20, जिसमें 2% का आपको टैक्स लगता है यहाँ पे और बाकी आपको मिल जाते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और मेरे हिसाब से मैंने हर चीज यहाँ पे आपका हर डाउट कवर अप कर लिया है। स्टिल अगर कुछ भी बचता है तो आप कॉमेंट में मुझसे जरूर पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई जल्दी से जल्दी करूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करना ताकि आपको और भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें रिलेटेड टू हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, वर्क फ्रॉम होम, पार्ट टाइम जॉब्स, ऑनलाइन अर्निंग एप्स, सीपीए मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग एंड ऑल दैट। आई होप आप लोगों ने काफी इंजॉय किया होगा और कुछ नई चीज भी सीखी होंगी इस वीडियो से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।